आर्थिक राजधानी मुंबई में जहां एक ओर ड्रग्स तस्करी अपने चरम पर है तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल चोरी की वारदातों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मलाड की मालवनी पुलिस ने दो ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो मुंबई के अलग अलग इलाकों से मोबाइल चुराते थे, फिर उन्हें सस्ते दामों में बेच लिया करते थे। गिरफ्तार दोनों शातिर चोर की पहचान सब्बीर स्टीवन उर्फ लॉरेंस चित्रे और इम्तियाज उस्मान शेख उर्फ इम्तियाज बटला के रूप में हुई है, जिनके पास से 6,70,000 की कीमत के 47 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार दोनों शातिर चोरों के खिलाफ मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 20 से अधिक मोबाइल चोरी और स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। दरअसल मालवनी पुलिस स्टेशन की हद में हुई एक मोबाइल चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई मालवनी पुलिस ने तकनीकी जांच और अपने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सब्बीर स्टीवन उर्फ लॉरेंस चित्रे को धर दबोचा। पुलिस ने सब्बीर से पूछताछ की तो उसने न सिर्फ दर्जनों मोबाइल चुराने की बात कबूली बल्कि यह भी बताया कि इम्तियाज उस्मान शेख उर्फ इम्तियाज बटला नाम के शख्स को चोरी के मोबाइल बेचे हैं, जिसके बाद पुलिस ने शब्बीर की निशानदेही पर मोबाइल खरीदार इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, जहां लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि दोनों आरोपियों ने मिलकर कुल कितनी मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है और कहां कहां मोबाइल बेचा है। मालवनी पुलिस स्टेशन में 2 अक्टूबर 2023 को एक वायरल वीडियो मिला था, जिसमें एक आरोपी धक्का मार के एक का मोबाइल निकाल रहा था। एक रॉबरी का केस था, लेकिन जिसको धक्का मारा वो कंप्लेनेंट है, वो सीनियर सिटीजन है, वो पुलिस को अप्रोच नहीं हुआ था। लेकिन ये वीडियो जैसे मालूम पड़ा और मालूम पड़ने के बाद में सीनियर पे मालवणी इन्होंने डिटेक्शन की टीम तैयार की और वो वीडियो के जरिए वो कंप्लेनेंट तक पहुँचे और कंप्लेंट तक पहुंचने के बाद में उनको ये मालूम पड़ गया, रॉबरी का वाकया मालूम पड़ा। तो उसके बाद में उन्होंने वो वीडियो एनालिसिस करके जो रॉबर है वो रॉबर को आइडेंटिफाई किया, जो पुलिस रिकॉर्ड का आरोपी था शब्बीर स्टीवन उर्फ लॉरेंस चित्रे करके। उसके ऊपर कम से कम 20 CR दाखिल हैं मालवनी मालाड और बांगोर नगर एरिया में। फिर उसको अरेस्ट करने के बाद में जो इंट्रोगेशन किया तो उसने जो चोरी किया हुआ मोबाइल है वो इम्तियाज उस्मान शेख उर्फ इम्तियाज बटला ये नाम के आरोपी को उसने बेचा था। तो उसको ताबे में लेने के बाद में उससे पुलिस ने 47 मोबाइल्स जिसका कीमत है आज के बाज़ार में 6,70,000 का रिकवरी उसके पास से हुआ है। और ये दोनों आरोपी जो है उनको हमने रॉबरी के केस में अरेस्ट। भारतीय रेलवे इन दिनों देश के असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गया है। कहीं ट्रेनों में पथराव किया जा रहा है तो कहीं रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखकर ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त किए जाने का प्रयास हो रहा है। बीते दिनों ही राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता चलते हादसा टल गया था। अब एक ऐसे ही खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के पुणे जिले से, जहां अराजक तत्वों ने ट्रेन को डीरेल करने के मकसद से रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख दिया था, लेकिन सतर्क रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के चलते उनकी यह कोशिश नाकाम रही। दरअसल नियमित रखरखाव के दौरान रेलवे कर्मचारियों को चिंचवड़ आकुर्डी ट्रैक पर पत्थर मिले, जिसे तुरंत हटा दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि जब पत्थर रखे गए थे तब वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरी, जिसके चलते कोई हादसा नहीं हुआ।